जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं निखिल सोनक और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको बॉक्सिंग ज्वाइन करनी है या बॉक्सिंग शुरू करने की सोच रहे हैं तो क्या क्या चीजें आपको दिमाग में रखनी चाहिए, जैसे कि बेसिक रूल्स, टेक्निक्स, ऑफिशियल फेडरेशंस, खेलने के लिए क्या क्या चाहिए और उसमें कितना बेसिकली एक्सपेंस आ जाता है, जो कि मेन चीज है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो कैसे लगी हमें जरूर बताना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। So, अगर आप बॉक्सिंग खेलने की या उसमें करियर बनाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि व्हाट इज बॉक्सिंग। अब बेसिकली बॉक्सिंग एक इंडिविजुअल कॉम्बैट स्पोर्ट है जिसमें दोनों प्लेयर्स कम्पीट करते हैं अगेंस्ट ईच अदर एंड इसमें दोनों का मेन पर्पस यही होता है कि एक दूसरे को हराना बाय नॉकआउट्स या फिर नंबर ऑफ पॉइंट्स। सो अब जानते हैं कि ये बॉक्सिंग कितने टाइप की होती है। नंबर वन एमेचर बॉक्सिंग एंड नंबर टू प्रोफेशनल बॉक्सिंग। अब इन दोनों में ज़्यादा फर्क तो है नहीं, बस बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस और किस टाइप से खेलते हैं इसी का डिफरेंस है, लेकिन इसमें हम ज़्यादा डीप जाएंगे नहीं। आप बस इतना ध्यान रखिए कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जाने के लिए भी आपको एमेचर बॉक्सिंग ही सीखनी पड़ेगी, मतलब एमेचर बॉक्सिंग इज द बेस ऑफ एवरी अदर काइंड ऑफ बॉक्सिंग। अब इस वीडियो में हम सिर्फ एमेचर बॉक्सिंग की बात करेंगे जो कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक गेम्स और इन सब गेम्स में खेली जाती है। बॉक्सिंग एक स्क्वायर एरिना में खेली जाती है जिसको हम कहते हैं रिंग। अब ये स्क्वायर एरिना को रिंग क्यों कहते हैं प्लीज ये मत मुझसे पूछना, और इस रिंग की डायमेंशंस मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा, आप वीडियो पॉज करके उसको देख सकते हैं। अब इस रिंग में दो कॉर्नर्स होते हैं, दैट इज ब्लू एंड रेड, और दोनों प्लेयर्स को इन्हीं कॉर्नर्स में खड़ा किया जाता है और इन्हीं कलर से डिनोट किया जाता है। अभी खेला कैसे जाता है, इसे खेलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि दोनों प्लेयर्स को अपने अपने पंचेस एक दूसरे को मार के पॉइंट स्कोर करने होते हैं या फिर नॉकआउट से भी वो जीत सकता है, और उन्हें वो पंचेस एक दूसरे की वेस्ट के ऊपर ही मारने हैं। अगर वो वेस्ट के नीचे मारते हैं तो उन्हें फाउल दिया जा सकता है या फिर डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। सो अब इसमें कितने राउंड होते हैं, मेंस के लिए इसमें 3 मिनट के 3 राउंड होते हैं और तीनों राउंड के बीच में 1-1 मिनट का गैप होता है, और वुमेन के लिए 2-2 मिनट के 4 राउंड होते हैं और 4 राउंड के बीच में 1-1 मिनट का ब्रेक टाइम होता है। अब इसमें एक रेफरी होता है जो बाउट करवाता है, और 3 रेफरी भी होते हैं और 5 रेफरी भी होते हैं। 3 और 5 डिपेंड करता है कि आपका कौन से लेवल का टूर्नामेंट है या फिर टूर्नामेंट किसके द्वारा कराया जा रहा है। जजेस की पोजीशन मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा, आप वीडियो पॉज करके उसे देख सकते हैं। अब इसमें 3 बेसिक पंचेज होते हैं, हुक, जैब और अपरकट। ये तो हो गया अटैकिंग के। अब डिफेंस के लिए इसमें होते हैं ब्लॉकिंग और वीविंग। अब आते हैं स्कोरिंग पर। बॉक्सिंग में 10 पॉइंट्स मस्ट सिस्टम का यूज होता है। बेसिकली इसमें जो बॉक्सर राउंड जीतता है उसे फुल 10 पॉइंट्स मिलते हैं, और जो बॉक्सर हारता है उसे 10 से कम मिलते हैं, और जितने मार्क्स उसे मिलते हैं वो उसकी परफॉर्मेंस पे बेस्ड होते हैं और ये पॉइंट्स जजेस डिसाइड करते हैं। अब बात करते हैं नॉकआउट के बारे में। नॉकआउट क्या होता है? अब जब एक बॉक्सर दूसरे बॉक्सर को इतनी फोर्स के साथ पंच मारता है कि उसका ओपोनेंट गिर जाता है और 10 सेकंड्स तक वापस उठ नहीं पाता, अगर वो 10 सेकंड से पहले उड़ जाता है तो वो नॉकआउट नहीं माना जाता, अगर उसे 10 सेकंड से ज्यादा लग जाते हैं तो वो नॉक्ड आउट माना जाता है। सो अब आते हैं इसमें कौन कौन से फाउल्स होते हैं। अगर एक बॉक्सर गिरा हुआ है और दूसरा बॉक्सर उसे पंच करे जा रहा है तो ये बहुत बड़ा फाउल है। किकिंग, बॉक्सिंग, थ्रोइंग, ग्रैबिंग और बाकी किसी और बॉडी पार्ट से अटैक करना, ये सब भी फाउल्स के अंदर आता है। रोप्स को पकड़ने से भी आपको फाउल मिल सकता है, और अगर आप ये सब फाउल्स करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं इंडिया में ऑफिशियल फेडरेशन कौन सी है। अब बहुत सारे फेडरेशन ऐसी हैं जो कि फेक है और बहुत सारे प्लेयर्स को मिसगाइड करती है, तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो ऑफिशियल फेडरेशन है इंडिया की उसी के लिए आप खेलें। सो इंडिया की ऑफिशियल फेडरेशन का नाम है IBF, जो कि एफिलिएटेड है AIBA से, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, और AIBA IOC से एफिलिएटेड है, और IOC को तो हम सब जानते हैं। सो ध्यान रखना आप IBF से ही खेलें या फिर उन टूर्नामेंट्स में ही पार्टिसिपेट करें जो IBF से रिकॉग्नाइज है। सो अब हमने इसके बेसिक रूल्स तो जान लिए और ये खेला कैसे जाता है ये भी जान लिया, और इसकी फेडरेशन कौन कौन सी ऑफिशियल वो भी जान लिया है। अब जानते हैं इसको खेलने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। बैंडेजेस, गम शील्ड्स, बॉक्सिंग ग्लव्स, हेडगार्ड, कप प्रोटेक्टर, रिंग शूज और बॉक्सिंग किट। सो ये है इसके बेसिक इक्विपमेंट्स जो आपको चाहिए ही चाहिए, बाकी इसके ऊपर आपकी श्रद्धा है। अब ये गेम यहाँ पे आके थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है क्योंकि इसमें इतने सारे बेसिक इक्विपमेंट्स हैं जो कि जरूरी भी है, और इस गेम में स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी सब का बहुत सारा यूज है। सो इसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा है और थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, लेकिन इसमें करियर बहुत अच्छा है। अगर आपको ये जानना है कि बॉक्सिंग और बाकी सारे गेम्स में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो आप हमारी एक वीडियो देख सकते हैं जो हमने पहले से बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आज के लिए इतना ही।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और घंटा भी दबा देना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए खेलते रहिए और देखते रहिए मिशन गोल्ड।